इसका क्या असर हो रहा है कि उसको भी ये समझ आ रहा है कि अडॉप्शन इज अ वेरी नाइस प्रोसेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारी। ओके सो हम आज देखने वाले हैं अडॉप्शन सीरीज में एक नया वीडियो कि बहुत पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि बच्चों को हम कैसे बताएं कि वो अडॉप्टेड है, या बच्चों को ये अडॉप्टेड है ये बताना जरूरी क्यों है। ओके तो ये दोनों भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मुझसे ये छूट भी गया था एक्चुअली टॉपिक कि बच्चों को कैसे बताना चाहिए कि वो अडॉप्टेड है। ओके सो आज हम इस बारे में डिटेल में देखने वाले हैं रीजंस क्या है बताने के और कैसे बताना है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि बच्चों को वो अडॉप्टेड है ये बताना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो था उसमें भी बोली है कि क्या होता है कभी कभी हम नहीं बोलेंगे बच्चों को, हम अपने ही बच्चों को क्यों ऐसी बातें बोलेंगे बोलो, लेकिन कोई तो होता ही है, रिलेटिव बोलो फ्रेंड्स बोलो, यू नेवर नो ना कौन है जो इतना वेल विशर है जो बच्चों को बोल देगा। और हमारे सामने बोला तो हम तो छोड़ेंगे नहीं फिर उन्हें, लेकिन हमारे पीछे भी तो बोल सकते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे, पता नहीं कैसे बोलेंगे, फिर बच्चों ने भी हमसे आके बोला वो बात शेयर करी तो ठीक है, तो हम उन्हें काम करा सकते हैं, हम उन्हें इस बात का मतलब पूरा नहीं क्या समझा के बोल सकते हैं कि क्यों अडॉप्शन प्रोसेस हमने की, अडॉप्टेड मीन्स व्हाट, अगर उनकी समझने की एज होगी तो ही हम डिटेल में सारी बातें बोल सकते, अगर नहीं होगी तो हम पेरेंट्स हैं हमें पता है अपने बच्चों को शांत कैसे, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी तो हो सकता है ना बच्चों को कि ऐसे कैसे ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा कोई और ही है, ये बच्चों को क्या होगा, आप उनके बारे में भी तो सोचो। तो कैसे होते हैं लोग, तो लोग होते हैं, पता नहीं वो किस रूप में आके आपके सामने धमक जाए, तो अगर ये बातें हमें पता ही नहीं चली क्या होगा, अगर मेरी बेटी को किसी ने बाहर से बोल दिया कि वो अडॉप्टेड है और उसने मुझसे आके शेयर ही नहीं किया, ये उसने अपने मन में ही रख ली ये बात और पता नहीं वो नन्ही सी जान क्या सोचेगी, क्या दिमाग लगाएगी वो अपना, आपके भी साथ ऐसा हो सकता है। इससे बेटर क्या होता है हम खुद ही बोल देंगे बच्चों को, तो वो अच्छा होता है, बच्चों को बचपन से पता होता है दैट दे आर अडॉप्टेड, एटलीस्ट अडॉप्टेड कंसेप्ट बच्चों को पता होती है, तो ट्रॉमा में भी ट्रॉमा नहीं होगा फिर तो। ओके और सेकेंडली ये बताना क्यों जरूरी है कि हमें खुल के बोलते रहेंगे ना इस टॉपिक को लेके तो देखने वालों का भी नजरिया, अब जितना मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इतने 4.5 सालों में, तो मैं मेरी तरफ से आपको बोलती हूँ कि मैं बहुत ओपन और बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ इस टॉपिक में। क्या मेरे हस्बैंड, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, हम सारे ही हम बहुत काम एंड बहुत पॉजिटिव है इस टॉपिक को लेके, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी किसी ने कुछ निगेटिव अभी तक तो बोला, एटलीस्ट मेरे कान तक तो ये बातें नहीं आई है। अगर उनको कुछ बोला होगा तो उन्होंने उनके हिसाब से वो बातें डील कर भी ली होगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके तो हम अंदर से प्रिपेयर होते रहते पता है आए दिन, नहीं तो वो डर हमारे भी तो मन, क्या होगा अगर उसको पता चलेगा, क्या होगा अगर कोई बोल देगा, वो डर ही तो रहता है और इसे डर में चीजें खराबी हो जाती है ऐसा मुझे लगता है। ओके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हमारा काउंसलिंग हुआ था एडॉप्शन की प्रोसेस के वक्त, तब हमें ये बोला गया था कि ये कंपल्सरी आपको बताना ही है, तो क्यों बताना है ये सारे पॉइंट्स उन्होंने ही मुझे समझाए थे जो मैंने अभी आपके साथ बोले, तो ये पॉइंट्स उन्होंने भी समझाए थे और पहले मैं फर्म कॉन्फिडेंट थी कि मैं नहीं बोलने वाली, मुझे ये पसंद ही नहीं कि मैं क्यों बोलूं, अभी वो मेरी बेटी हो गई तो हम तीनों डील कर लेंगे इस बात को लेके, तीनों मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। लेकिन होता ही है, रियलाइजेशन होता है, दुनिया का असली रूप दिखता नहीं है लेकिन समझ तो आता है ना लोग क्या कर सकते, इतनी मैच्योरिटी तो आ ही जाती है 1-2 सालों में। तो जब स्प्रू 2 साल की हुई तब मुझे ये रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं जाके कि हाँ बताना अच्छी बात है, सच्चाई से ना मुंह फेर नहीं सकते आप, सच्चाई को आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ना फेस करो, वो बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, मेरे लिए भी बहुत इजी हो गया पता है। तो इसीलिए बच्चों को अडॉप्टेड ये बोलना बहुत अच्छी बात है, अभी वो उनको कैसे बोलना है। ओके उसके जस्ट एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी आपको बोलती हूँ।
तो मैंने किस तरीके से बताया था, स्टोरी बहुत बच्चों वाली है, लेकिन आप यही पर्टिकुलरली स्टोरी मत बताओ, लेकिन ऐसे ही कुछ तो कि जो बच्चों को बच्चों की तरह समझ में आएगा। ओके, बड़ों के जैसा मत समझाओ प्लीज। और मेरे हिसाब से जब बच्चे 2 to 4 ईयर के एज ग्रुप में होते हैं तब उन्हें आप बता ही दो ये कि अडॉप्टेड है एंड ऑल, क्योंकि हम जब स्टोरी बोलते हैं ना स्प्रू बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुन रही थी, लेकिन अब स्प्रू 5 ईयर की हो जाएगी 2 महीने में, इतने क्वेश्चंस करती है, हे भगवान। तो क्या होता है ना, तब हम भी कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, कि हम ही डरे हुए होते हैं बच्चों को क्या समझाएंगे। तो ऐसे में अगर हो पाए आपसे मैनेज तो 2 to 4 ईयर का अगर आपके पास बच्चा है तो आप तभी बोल दो, नहीं हो पाया अगर आपने बड़ा एज का बेबी गोद लिया है तो भगवान की कृपा से वो बच्चे मैच्योर भी हैं, उनको चीजें भी समझ आती हैं, आप बस उनके साथ बच्चों के जैसे ही थोड़ा सा हल्के तरीके से डील करो उनके साथ, तो उन्हें भी ये बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अब मैंने कैसे बताया था। ओके, तो मैंने उसको स्टोरी बोली कि मम्मा जय पापा के पास बहुत रोती थी, रोज रोती थी कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे मेरा स्प्रू बेबी चाहिए, पर्टिकुलरली आपके बेबी का ही नाम लेना चाहिए आपको, मुझे कोई भी बेबी दो, मुझे आपका जो भी बच्चा है, आपका जो भी बेबी है उसी का नाम डालो आप उस स्टोरी में। तो मैंने वही बोला था कि मुझे स्प्रू बेबी चाहिए, तो मैंने ये जय पापा से बहुत बारी बोला था, पापा भी बहुत रोज जय पापा को बोलते थे कि हमारी स्प्रू बेबी कहाँ है, हमें उससे मिलाओ, हमें उसकी बहुत याद आती है। फिर एक दिन फेरी आई हमारे सपने में, फेरी ने बोला कि अब मम्मा आपको रोने की कोई बात नहीं है, मैं ना कल आपको मैसेज करके बोलूंगी आपके बेबी कहाँ पे है। अभी ये मैंने मैसेज वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि स्प्रू को ये समझ आता है मैसेज क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है। ओके, अगर आपके बच्चों को ये नहीं समझता तो कुछ और भी डाल लो आप इसकी जगह, लेकिन उनको समझ आना चाहिए कि फेरी ने क्या बोला। ओके, तो फेरी ने बोला कि मम्मा आपको मैसेज आएगा, तो मैंने उसको बोला कि फिर पापा के मोबाइल पे नेक्स्ट डे सच्ची में मैसेज आया, फिर उस पे मेरी प्यारी प्यारी बच्ची का फोटो था, उस पे बच्चा का एड्रेस था। तो फिर हमने तुरंत उन अंकल को फोन किया, हमारे बेबी की अच्छे से केयर लेना, हम लेने आ रहे हैं हमारे बेबी को। तो हम झट से आए, फिर साथ में जो जो गए थे उनके नाम उसमें एड ऑन होते हैं स्टोरी में, कि मेरे साथ मेरे पापा, मेरे अंकल और तेरे पापा, हम चारों तुझे लेने आए। फिर वहां पे आते ही उन अंकल ने तुझे मेरे हाथ में दिया। तो ये जो अभी सीन है, अभी ठीक है मैं आपके साथ बोल रही हूँ, कुछ नहीं होता रिएक्शन वगैरह मेरा, लेकिन ये बोलते वक्त मेरी ही आंखों से आंसू निकल जाते, मेरे बच्चे के भी आंख से आंसू आते, मेरा बच्चा इतना खुश होता है ना, ये लाइन आती। हाँ, तो फिर मैंने क्या बोला, मम्मा फिर मैं खुश हुई ना, मम्मा मैं आपको देख के हंसी, ये सारे चीज होते उसके प्रॉपर होते। तो जब अंकल ने तुझे मेरे हाथ में दिया मैं इतना खुश हुई बच्चा, और मैं बहुत रोई, मम्मा बहुत रोई, मम्मा को बहुत बुरा लगा कि मेरा बेबी यहाँ पे क्यों है। तो मैंने तुझे डांटा भी, तू यहाँ पे क्यों आई, तुझे घर पे आने में क्या हुआ था। तो ये लाइन्स उनकी फेवरेट है। ओके, फिर उसके बाद हम तुझे लेके घर पे आ गए, फिर मारा साहब के पास गए थे वगैरह वगैरह, जो भी थ्रू आउट द जर्नी हुआ वो सब एज इट इज उसको बोलते, जहां से आया उस गांव का नाम नहीं बोलते। क्या पता मुझे सेफ नहीं लगता, मुझे डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, शायद बोलना भी चाहिए मुझे या नहीं भी बोलना चाहिए, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो बच्चा है, उसको कोई जरूरत नहीं है उस गांव का नाम जानने की या उस स्टेट का नाम जानने की, अभी के लिए उसके लिए इतना ही ठीक है। ओके, तो वेलकम फंक्शन उसका कैसे हुआ था, वेलकम फंक्शन को घर पे कौन कौन आया था, फिर वो बाकी की सारी स्टोरी उसमें एड ऑन हो जाती है। तो जब अंकल ने तुझे मेरे पास दिया, फिर वहां पे अंकल ने हमसे कुछ छोटी सी प्रोसेस करवाई, और फिर हम तुझे वहां से अपने घर लेके आए, इसको बोलते हैं एडॉप्शन। तो बच्चा, मेरा बच्चा क्या है, तो वो खुद बोलती है अडॉप्टेड है। अच्छा, तो मेरे बच्चे को अडॉप्ट क्यों किया मम्मा ने, तो वही आंसर देती कि जय पापा ने बोला ना मम्मा आपको, फेवरेट थी ना उसने बोला ना। तो ये आंसर्स वहां पे मैंने कवर कर लिए, अगर वो नहीं आंसर देती तो मैं उसको देती हूँ ये आंसर्स कि इसका रीजन ये है। ओके, लेकिन ये सब करते वक्त मैं एक चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ कि ये बोलते वक्त ना मैं अंदर से खुश होनी चाहिए, जब मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे अंदर की खुशी जो झलक जाती है अपने चेहरे पे, इसका मतलब हम पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं।
तो वही पॉजिटिव एनर्जी मेरे बच्चे को पास ऑन होनी ही चाहिए। इसका क्या असर हो रहा है कि उसको भी ये समझ आ रहा है कि एडॉप्शन इज अ वेरी नाइस प्रोसेस। एडॉप्शन तो जजे बप्पा बोलते इसलिए एडॉप्शन होता है। ये सारी बातें अभी वो क्वेश्चन एंड आंसर थ्रू क्लियर हो जाता है। बोलने का यही मतलब है कि जब भी आप ये स्टोरी सुनाओगे आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मैंने अपने आप से ये स्टोरी बहुत बारी रटी थी, बहुत कम्प्लीटली, फिर मैंने इस प्रूफ को बोलना स्टार्ट किया था। ओके, तो फिलहाल के लिए उसके दिमाग में ये सब फिट है, बट मुझे हैप्पीनेस क्या है कि उसको एडॉप्शन का मीनिंग पता चल गया है। पूरा नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको पता है एडॉप्टेड वर्ड के बारे में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या हुआ बताए कि इंसान बोल बोल के कितनी बार, बच्चे हैं उनको तो हर रोज नया चाहिए। 2 महीने 3 महीने, आई गेस हमने 4 या 5 मंथ्स तक ये स्टोरी रखी पिछले साल कोरोना के माहौल में। आफ्टर सम टाइम हम खुद ही भूल गए स्टोरी रिपीट करना, कि जैसे होता है ना कि वही खुद पूछती थी तो हो जाता था वो रिपीटेशन। सोने से पहले कभी पूछती थी, कभी उठते ही पूछती थी, उसका मन जब करता था वो खुद कम होती गई पूछना, और मैं ही भूल गई कि अरे इसको तो याद दिल, क्योंकि एक बारी बोल के इतने छोटे से बच्चों को वो पूरी जिंदगी भर तो याद नहीं रखेगा। और मेरा एम क्या है कि जब उसको कोई आके बोलेगा कि तू एडॉप्टेड है, तब उसको वो क्लिक होना चाहिए, या आई नो दैट। तो ये मेरा मोटो था। फिर मैंने क्या किया है, अभी पिछले 4-5 महीने से मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इतनी ज्यादा फर्म कॉन्फिडेंट तो हो ही गई हूँ इस टॉपिक को लेके, एडॉप्शन के टॉपिक को लेके, कि अगर मुझसे कोई कहीं पे भी पूछ लो, आप कुछ भी पूछ लो एडॉप्शन के रिगार्डिंग, मेरे चेहरे पे कभी भी ऐसे नहीं होगा गिल्ट वगैरह नहीं आता, मैं डरती नहीं। क्योंकि मुझे इंटरकास्ट मैरिज की थी, तब भी मेरे चेहरे पे कभी गिल्ट नहीं आता था। वो हमने हमारी मर्जी से की थी शादी, तो शायद ये उसका असर है, आई डोंट नो। बट हाँ, कुछ डिसीजंस होते हैं लाइफ के जो लेने पड़ते हैं, तो वो हमने लिया। तब हमने शादी की थी, शादी के बाद इतने लोगों ने हमसे पूछा था, ओ तो भाग के ही की होगी। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हमें पता है हमने भाग के शादी नहीं की, हमारी शादी कैसी हुई हमें पता है। तो सेम वैसा ही था मेरे लिए एडॉप्शन के रिगार्डिंग। थोड़े दिन तक होता ही है, थोड़े दिन, क्योंकि मुझे ऐसे डर लगता था कि इतनी सी बच्ची है, उसको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगी, ये वो बातें झेल पाएगी नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है, बीच में मैंने उसको एक मराठी मूवी कोइंसिडेंटली हम दोनों ने साथ में देख ली। ओके, तो उस मूवी का नाम आई डोंट नो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ या नहीं, कॉपीराइट इशू आते हैं ना, लेकिन आपको बहुत लोगों को पता होगी वो क्या है। एडॉप्शन पे ही है, रिलेटिव्स का बेबी लेते हैं। ओके, तो वो वाली मूवीज प्रभु ने देखी, तो उसको खुद से रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसे भी होता है। ओके, तो उसको खुद से वो पहले बार नहीं, लेकिन अब जब वो देखती है ना अब इतने में, तो उसको ध्यान में आता है कि वो जो बच्चा ऐसे झुंझलाता है अपनी खुद की माँ के पास जाने के लिए, तो वो स्प्रू को पसंद नहीं आता। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देख के, स्प्रू को ऐसे होगा कि उसको भी ये मन में आएगा कि नहीं उसको अपनी मम्मा के पास जाना नहीं। लेकिन मेरी स्प्रू का यही है कि उसकी मम्मा तो उसके साथ ही है ना, मम्मा वो क्यों ढूंढता है अपनी दूसरी वाली मम्मा। एटलीस्ट उसको समझ में तो आ रही है चीजें, अच्छी बात है ना। फिर तो आप ऐसे ही पॉजिटिव मूवीज दिखाइए बच्चों को। अगर किसी मूवी में हिंदी हो, मराठी हो, आपके लैंग्वेज की हो, आपके मदर टंग की हो, कोई भी मूवी, अगर उसमें एडॉप्शन का कुछ है तो वो बच्चों को हमें दिखाना चाहिए। और क्या होता है, ये हो गया स्टोरी के बारे में, लेकिन रादर देन दिस हमें अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। पता है, कोई भी हमें कुछ भी आके बोलेगा और हम रोएंगे या हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम मतलब होता है ना वो कि यार इनको क्या पता नहीं है, अभी जब शिफ्ट हो गए वहां पे तो सबको पता था, तो बातें थोड़ी आसान थी, यहाँ पे तो किसी को नहीं पता है, अब क्या होगा, अब तो मैं ये छुपाऊंगी, कभी तो पता ही चल ही जाता है आस पड़ोस के लोगों को, क्योंकि होते हैं लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे को इतना फास्ट सर्विस देते हैं ना बातों का कि इंस्टाग्राम भी फीका पड़ेगा आपका, इतना नेटवर्क फास्ट होता है लोगों का। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आई एम सॉरी, लेकिन ये टॉन्ट था कि ऐसे लोगों के लिए, लेकिन बातें पता चल ही जाती है। तो आपको तब फर्म होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, आपको ही देख के बच्चे सीखते। पता है क्या होता है, अगर आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहोगे,
इस टॉपिक को लेके एटलीस्ट। इसलिए क्या है, बातों को इजी लेना सीखिए। एडॉप्टेड एडॉप्टेड इसका इतना बर्डन नहीं लेना है यहाँ पे, ये बहुत इजी टर्म है। ये जिन लोगों का एडॉप्शन हो गया है ना, अगर आप उन पेरेंट्स को देखोगे, अगर आप उन बच्चों को देखोगे, एज डजंट मैटर बच्चों की, कि एक साल के अंदर का था इसलिए इतनी जल्दी आपके साथ एडजस्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। आप 5 साल का बेबी ले लो, आप 6 साल का ले लो, आप कितने भी 10 साल के अंदर का बेबी ले लो, अच्छा उसके आगे का मैं बोलती हूँ ठीक है, कुछ शायद हद तक होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता है उन लोगों को, मम्मी पापा बनने का कुछ सुख ही नहीं मिलता, ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि क्या होता है पता है, वो भी तो घर के लिए तरसते हैं, उन्हें भी तो घर चाहिए होता है, उन्हें भी तो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मम्मा पापा, उनके लाइफ में तो इतनी बड़ी वो जो खाली चीज होती है वो कमी भी तो पूरी हो जाती है। तो ऐसे मत सोचो इमीडिएट प्लेसमेंट में हम क्यों लेंगे बेबी, ये गलत है पता है। अगर आपका एज सच में बड़ा वैसा है तो आपको भी पता है 3 साल यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको भी पता है आपको बेबी आएगा ही वही, क्योंकि एज क्राइटेरिया होता है। एज क्राइटेरिया फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला है, और फर्स्ट वीडियो का और एक अभी लेटेस्ट भी आया है वीडियो, क्योंकि वो फॉर्म का थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो गया था ना, इसलिए अगर आपका वेटिंग लिस्ट नंबर आ गया है तो आपको वो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे पेरेंट्स हो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। एडॉप्शन के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और ये ऊपर यहाँ पे आई बटन का जो आ रहा है ये भी मैं एडॉप्शन के सीरीज के ही दूंगी, आई बटन के जो वीडियोज है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो भी आप उसी वीडियो पे ही जाओगे। और इट्स नॉट अ कंपल्शन, बट जस्ट एक रिक्वेस्ट थी मेरी तरफ से, अगर आपने वो भी वीडियोस देख लिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एवरी वीडियो को लाइक कर दिया, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा यू नो, इसलिए ओके। तो आई होप मेरा जो आज वीडियो का एम था वो सक्सेसफुल हुआ है। आई थिंक आप लोगों को भी अब ध्यान में आया है, एक तो बच्चों को एडॉप्टेड है ये बोलना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली स्टोरी थ्रू बोलिए, एज ग्रुप 2-4 का हो तो अच्छे से छोटी सी स्टोरी थ्रू, मतलब जो मैंने बोली अभी एकदम चाइल्डिश स्टोरी थ्रू। अगर एज ग्रुप थोड़ा ज्यादा है 4 के आगे तो उनके हिसाब से बोलिए, हर पेरेंट्स को पता होता है बच्चों के साथ कैसे डील करना है पता है, तो उसके हिसाब से बोलिए ओके। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अंदर से कॉन्फिडेंट होना है एडॉप्शन को लेके। कोई क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जो भाड़ में गए लोग जो बोलना है बोलो, बिंदास बोलो, तो उनको नहीं देखना है, उनको बिल्कुल भी नहीं देखना। अपने अपने बच्चे को देख देख के यार टाइम स्पेंड करो। देखो बच्चे घर पे आने के बाद टाइम ही नहीं होता हाथ में, टाइम ही नहीं होता, सच में नहीं होता। पहले तो मैं भी सोचती थी ये सब बातें, मैंने भी तो सोची है, इसीलिए तो मेरे दिल में आती है ना आपके साथ बोलने की, लेकिन आफ्टर एडॉप्शन ये नहीं आया मेरे दिल में कभी भी, क्योंकि होता है ये, वो बच्चे आने के बाद ना अपने आप हम स्ट्रांग हो जाते हैं अंदर से, और वो होना भी चाहिए, एवरी पेरेंट्स को होना चाहिए। और हमेशा अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करते रहिए, हमारे बच्चों का एहसानमंद, मतलब हमारे बच्चों को हमेशा एक एक होता है ना कि मुझे मेरी बच्ची का वो जो होता है ना मराठी में बोलते कि तिचे इतके उपकारत माझ्यावरती मी ते कधीच नाही विसरणार, मतलब वो नहीं होती मेरी लाइफ में। तो देखो आज चाचा चाची मामा मामी दादा दादी अंकल आंटी कैसे भी हो जाते हो आप, मतलब हो ही जाते हो, ये रिलेशन है ना ये तो ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन मम्मा और पापा बोलने वाला सिर्फ अपनी औलाद होती है। और जिन लोगों को ऐसे लगता है कि जो सिर्फ आफ्टर डिलीवरी जो बच्चे होते हैं वही अपने होते हैं, कि उनकी आदतें उनका उनका फेसिंग वो ही अपने जैसा होता है, मैं नहीं मानती। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी ओके, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब मैं नहीं मानती। अभी 4.5 ईयर्स हो गए हैं, मेरी गुड्डू डिट्टो मेरी कॉपी है, उसके पप्पा के जैसी हरकतें करती है, मेरे जैसे हरकतें करती है, आई डोंट नो हाउ। मुझे तो मेरे पप्पा ने भी कितनी बार बोला है कि मैं तो इसमें तेरा बचपन देखता हूँ, मतलब क्लियर कट मेरे जैसे, जो बचपन में मुझे जो खाना पसंद था आज मैं नहीं खाती। वो ऐसा मत सोचो कि आपको देख के तो वो खा रही होगी, मैं नहीं खाती कुछ जो खाने की चीजें, तो वो भी वही खाती है, बोलो क्या करे। कि मैंने कभी उसको ना फोर्स किया, ना मैंने उसको कभी खुद से खिलाया, उसको अपने आप से ही वो चीजें पसंद है। ऐसे बहुत सारे अडॉप्ट अभी
ये सीरीज की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स के साथ बातचीत का मौका मिल रहा है, तब पता चल रहा है कि हाँ, पता है आफ्टर एडॉप्शन ना थोड़ा सा वक्त लीजिए, उनको भी वक्त दीजिए, डरे हुए होते हो वो, तो 2-3 महीने के बाद देखो जैसे ना दूध में शक्कर घुल जाती है ना, तो आप नहीं सेपरेट कर पाओगे, तो वैसे हो जाता है। मैंने क्या बोला ना, मुझे ही नहीं समझ में आया, लेकिन आपस में ना जुड़ जाता है, रिलेशन बहुत फर्म डेवलप होता है, और ऐसा कभी मन में नहीं आता कि ये दूसरों का बच्चा है, मुझे तो ये टर्म ही पसंद नहीं है, वैक ऐसे सोच नहीं रखनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जो पेरेंट्स की ऐसी सोच होती है वो अडॉप्ट करते, तो ऐसा मत सोचो, ऐसे कोई सोचता होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता। जो लोग एडॉप्शन नहीं करते ना, वही लोग ये कुछ भी बोलते रहते, तो उनको बोलने दो, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, बिंदास बोलने दो। ओके, सो बस करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही बड़ा हो गया, मुझे इतना नहीं बड़ा करना था, मुझे सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनानी थी, बट देखो ना बातों में। ओके, तो मैंने थोड़ा सा आज आराम से बोला है, टॉपिक मतलब ऐसे पॉइंट्स ने निकाले थे मैंने, तो आई होप, मुझे ऐसा लगा कि बातों के जरिए ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना तो बनता है यार, क्या होता है मेरा ना मोटिवेशन बढ़ता है थोड़ा सा, तो क्योंकि मैं भी तो नई हूँ इस फील्ड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारिका। टिल देन बाय।